ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। जहां देश भर में कोविड 19 संक्रमण को लेकर देश जूझ रहा है, तो वहीं इस संक्रमण का खासा असर मध्यम परिवारों पर भी दिख रहा है। समाज का ये वर्ग ऐसा है कि ना तो निचले स्तर गरीबों की लाइन में लगकर मिलने वाले सरकारी खाद्य सामग्री ले सकते हैं, और ना ही ये तबका ऐसा है कि 6 महीने व साल भर अपने व अपने परिवारों का गुजर बसर कर सके। खासकर मध्यम वर्ग के लोग या तो छोटे किस्म के कारोबारी हैं या फिर प्राइवेट नौकरी पर हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ऐसे में प्रदेश सरकार से किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गई है, जबकि पूर्व में सरकार द्वारा ये घोषणा की गई कि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों से मार्च महीने की फीस नहीं ली जाएगी। इसकी घोषणा सरकार के काबीना मंत्री अरविंद पांडे ने की थी, परंतु मंत्री पांडे की घोषणा सिर्फ राजधानी में रह रहे लाखों अभिभावकों को खुश करने भर के लिए थी। वहीं जब निजी स्कूल प्रबंधकों ने शिक्षा मंत्री के विरुद्ध एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की, तो मंत्री जी अपनी बातों से ही फिसलते नजर आए और अभिभावकों की वकालत व हमदर्दी जताने के बजाय उल्टा निजी स्कूलों के फेवर में दिखाई दिए। इन्हें देखकर ये प्रतीत होता है कि आखिरकार निजी स्कूल प्रबंधकों ने सरकार की ऐसी कौन सी नब्ज दबा रखी है जिसके आगे सरकार भी पौनी साबित हो रही है। तो वहीं सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सरकार भी इस पूरे प्रकरण पर मौन रहना ही बेहतर समझ रहे हैं। अब सरकार की इस लचर रवैये से ये प्रतीत होता है कि सरकार की कथनी और करनी में जमी आसमान का फर्क है। कारण ये वही सरकार है जो खुद आम जनमानस से ये अपेक्षा करती है कि लोग इस आपदा की घड़ी में सरकार की सहायता व मदद करें। लोगों ने करी भी है और कर भी रहे हैं, लेकिन वहीं जब लोग सरकार से सहायता की उम्मीद रखते हैं तो उन्हें सिर्फ मिलती है सहानुभूति। अब रावत सरकार से भला कोई ये तो पूछे कि सहानुभूति से किसी का घर का चूल्हा नहीं जल सकता है। वहीं सरकार की ओर से आम लोगों को न बिजली न पानी जैसे बिलों की भुगतान में छूट दी गई है, और सरकार अपने प्रचार प्रसार में ये कहती नजर आ रही है कि सरकार महामारी से निपटने के लिए आम लोगों की सहायता के लिए दीवार की तरह खड़ी है। अब लोगों के साथ खड़े होने की परिभाषा क्या है, ये तो त्रिवेंद्र सरकार ही बेहतर बता सकती है। प्रशासन के द्वारा लगातार ऐसे लेटर अभिभावकों के पास जा रहे हैं कि जल्द से जल्द फीस जमा करने की बात। देखिए, अभी मेरे पास कुछ लेटर्स आए थे जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप जो है इसकी फीस जमा कर सकते हैं तो आप वो फीस जमा करें, जो कि वहाँ पर जो स्टाफ है वो सारे स्टाफ को फीस वगैरह देने की सैलरी वगैरह देने के लिए उन्होंने लिखा है। लेकिन उसमें लेटर में कहीं भी ये नहीं लग रहा है लिखा हुआ कि अगर आप हमें फीस नहीं देते हैं तो आपके विरुद्ध जो है ये कार्रवाई कर दी जाएगी। अगर ऐसा कोई पत्र प्राप्त होता है तो डेफिनेटली इसमें जिला जो मुख्य शिक्षा अधिकारी उनको निर्देशित किया गया है कि जो भी इस तरीके का लेटर लिखता है कि अगर आपके पास फीस नहीं देते हैं तो आपको जो है आपके बच्चे को यहां से निकाल दिया जाएगा, उनके विरुद्ध जो है तत्काल जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंदर जो है कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रमिक मंत्री।